आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना हरि प्रबोध वजीपुरा में ननिहाल आई 5 साल की बच्ची खेलते खेलते घर से लापता हो गई। सोसदन चौराहे पर अकेले घूम रही बच्ची को एक राहगीर हरि प्रबोध थाने पुलिस के सुपुर्द करने के लिए पहुंच गया। करीब 2.5 घंटे बाद तलाश करते हुए पहुंचे परिजनों को पुलिस ने बच्ची को सौंप दिया। लड़की मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। थाना हरि पर्वत वजीरपुरा में मां के साथ ननिहाल आई 5 साल की बच्ची गुन्नो खेलते खेलते घर से लापता हो गई। बच्ची पैदल ही सूरसदन चौराहे पर पहुंच गई। अकेला घूमते देख एक राहगीर बच्ची को लेकर हरि पर्वत थाने पहुंच गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। थाना हरि पर्वत में सूरसदन चौराहे पे कुछ राहगीर एक बच्ची को लेके आए थे जो अपना नाम पता नहीं बता पा रही थी। उसकी उम्र करीब 5 वर्ष है। तो हमारे द्वारा थाने के जितने ग्रुप बने हुए हैं और जो 40 ग्रुप है CCR वाला, सब पे मैसेज कर दिया गया था। अब करीब 2-2.5 घंटे बाद उसके परिजन खोजते हुए आए हैं। उसकी नानी आई है। अब परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन वाले भी आ गए हैं। चाइल्ड लाइन वालों को भी हमने बुला लिया था। परिजनों को संदेश देना चाहेंगे कि बच्ची है थोड़ी, इनकी नानी बता रही कि अभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उनको हिदायत दी गई है। उसके इतने क्राइम बढ़ रहा है बच्चों को लेके, उनको थोड़ा ध्यान रखें। जैसे वो 2.5 घंटे बाद आए हैं ढूंढते हुए, हम लोग ने भी सब जगह सूचना कर दी थी, इसे हिदायत दी जा रही है आगे से भविष्य में इनका ध्यान रखें, इधर उधर ना जाएं। वजीरपुरा से बच्ची के अचानक लापता होने पर परिवार वाले तलाश करने में जुट गए। बच्ची का कहीं सुराग न लगने पर बच्ची की मां अन्नू और नानी गीता हरि पर्वत थाने पहुंच गई। थाने पर बच्ची को देख परिजनों के चेहरे खिल गए। महिला सब इंस्पेक्टर डेजी पवार ने लिखा पढ़ी के बाद बच्ची परिजनों के सुपुर्द कर दी। बच्ची मिलने पर पुलिस ने चाइल्ड लाइन टीम को भी थाने बुला लिया था। टीम अपनी कार्रवाई करती, इससे पहले ही बच्ची के परिवार वाले थाने पहुँच गए थे। हमारी टीम बच्चों को लेकर बच्चा कोई जानकारी मिलती है बच्चे को लेकर जाती है थाने से, ड्यूटी वगैरह बच्चे से पहले जानकारी करती है। बच्चा जान पा अपना नाम वगैरह या परिवार का कुछ ही बता पाता है, उसके बाद बच्चे की ड्यूटी कराई जाती है थाने से। उसका मेडिकल और कोविड का टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद CWC बाल कल्याण समिति होते हैं, उनको सूचना दी जाती है हमको ये बच्चा मिला है। वहाँ जाकर बच्चे को ले जाया जाता है और उनके सामने पेश किया जाता है। बच्चे को फिर वहाँ पर रखा जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। हरि पर्वत थाने की महिला सब इंस्पेक्टर डेजी पवार ने 5 साल की बच्ची गुन्नो के परिजनों के साथ शहर की जनता से बच्चों को देखभाल करने की अपील की है। सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि माहौल खराब चल रहा है, इस वजह से परिजनों को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। आज तो कुछ ज्यादा ही लंबी निकल गई, इसलिए ध्यान दे दे तो थोड़ा बहुत तो काम में थोड़ा ध्यान बढ़ गया तो उसी में निकल जाती है। कहां पर आई थी अपने मां के आई थी? हां, कुछ नहीं। अब पुलिस ने इसको जो मिल गई आपको सौंप रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? माँ अन्नू का कहना है कि उसकी 5 साल की बेटी बोल नहीं पाती है, वह कई बार घर से लापता हो चुकी है। बच्ची के कई बार लापता होने पर भी परिवार वाले इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। गनीमत रही सड़क पर अकेली घूम रही बच्ची को थाने पहुंचा दिया गया, अन्यथा गलत हाथों में भी पहुंच सकती थी। बच्ची मिलने के बाद परिवार वाले पुलिस का आभार जताते नहीं थक रहे हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।